दिल्ली में 24 जून से लेकर 26 जून तक नए चुने गए संसद सभ्यों ने संसद भवन में शपथ ली। इसी के ये क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया गया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राष्ट्रगान खत्म होने के बाद संसद भवन में पहुंचे थे। भाजपा आंध्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी ने ये क्लिप ट्वीट की और यही दावा किया। और भी कई यूजर्स ने ये क्लिप इसी दावे के साथ पोस्ट की। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे पर संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू की। संसद टीवी पर इस सेशन का पूरा वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में शुरुआत की कुछ मिनटों में राष्ट्रगान बजता है और इस दौरान विपक्ष की साइड में कोने पर संसद टीवी के लोगों के नीचे राहुल गांधी खड़े हुए दिखते हैं। उन्होंने व्हाइट टी शर्ट और काला पैंट पहना है। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद वो उसी साइड से आगे की ओर आते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर भी वो उन्हीं कपड़ों में दिखते हैं। यानी राहुल गांधी संसद भवन में राष्ट्रगान के दौरान मौजूद थे और वहाँ लेट नहीं पहुंचे थे।